पंजाब पाटीदार से पूछताछ की गई है। अभी उनके द्वारा एक कोरोना से पीड़ित होने की रिपोर्ट उनके एडवोकेट द्वारा भेजी गई है, तो वो अपने आप को अभी कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। इस प्रकार से उनसे अभी तक वो टर्न अप नहीं हुए हैं, उन्हें बुलाया गया है, उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए पीजी हेडक्वार्टर से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा ना फोन उठाया जा रहा है और ना ही उनका अभी तक लोकेशन मिला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक, मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में इसमें पुलिस की स्थिति ये हो गई है कि सिपाही से लेकर के दरोगा, दरोगा से लेकर के एसपी तक के मामले योगी सरकार में बड़ी आसानी से हो रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से गोरखपुर कांड में एक दरोगा कैसे शामिल होता है, जो एक गुप्ता, जो कानपुर के गुप्ता थे जिनके हत्या होती है, उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से प्रियंका मिश्रा की नौकरी जाती है। अब एक और एसएसपी रहे आईपीएस अधिकारी जो मणिलाल पाटीदार हैं, उनकी भी नौकरी अब जा रही है। बर्खास्तगी की पूरी तैयारी हो गई है, मामला पुराना है, लेकिन उनके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया। ये योगी की सरकार है जहां आईपीएस अधिकारी भी फरार है, भगोड़ा है, उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ है। अब कहा जा रहा है कि प्रवीण कुमार जो मेरठ रेंज के आईजी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें माना जा रहा है कि अब ये बात साफ हो गई है कि मणिलाल पाटीदार अब पूरी तरह से नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। ये बड़ी बात है। जहां जबरिया रिटायरमेंट दिया गया, एक सिपाही की नौकरी ली गई, दरोगा शामिल होता है, उसके बाद एक एसएसपी आईपीएस उसकी नौकरी बर्खास्त की जा रही है। योगी सरकार में यह सब संभव हो रहा है और यह खबर इसलिए भी ज़रूरी है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी एसएसपी रैंक अधिकारी पर 1,00,000 का इनाम लगाया जाता है और वो फरार है, अभी पकड़ में नहीं आया है। कई बार यह भी कहा गया कि उसके डूंगरपुर आवास पर उसके गांव में जाकर के छापेमारी की गई, नीलामी की नोटिस चस्पा की गई, लेकिन वो नहीं मिल पाया, अभी भी फरार है। बांदा महोबा का तत्कालीन एसएसपी महोबा के मणिलाल पाटीदार ने एक व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी पर 6,00,000 रुपये मांगने का आरोप है। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और यहीं से बात बिगड़ती चली गई। मामला भले पुराना हो, लेकिन योगी सरकार में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रवीण कुमार की रिपोर्ट के अनुसार अब इस अधिकारी की नौकरी नहीं बच सकती है, बर्खास्तगी तय है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी भगोड़ा है, उस पर आरोप लगे हैं, उस पर इनाम घोषित किया जा रहा है 1,00,000 रुपये के आसपास का, लेकिन वो अभी भी गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जब सरकार अपने कानून व्यवस्था के वादे करती है तो ऐसे समय में मणिलाल पाटीदार जैसे एसएसपी वो चर्चा में आ जाते हैं। अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर किया जाता है, लेकिन वही मणिलाल पाटीदार जो एसएसपी रहते थे उसमें फरार होते हैं, उन पर 1,00,000 रुपए का इनाम लगता है, लेकिन अभी उन्हें गिरफ्तार या पता उनका नहीं चल पाया है। अब खबर यही है कि प्रवीण कुमार की रिपोर्ट के अनुसार उनके बर्खास्तगी के तमाम पर्याप्त सबूत हैं जिसकी आधार पर उनको बर्खास्त किया जा सकता है। और यह बड़ी खबर है, यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है, योगी आदित्यनाथ की सरकार से है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि मणिलाल पाटीदार आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए, कहाँ है वो शख्स, है कहाँ वो? अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसकी बर्खास्तगी होगी, तो क्या उसे फिर बाद में गिरफ्तार किया जाएगा जिस आरोप में उसके ऊपर तमाम कार्रवाई हो रही है, तमाम सारे सवाल हो रहे हैं। उधर एक आईएएस थे इफ्तारुद्दीन, उनके ऊपर भी कुछ नहीं हो पाया। इधर एक आईपीएस फरार है, दरोगा ने अपने काम कांड कर दिए, लेकिन एक सिपाही महिला की नौकरी लेने में सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई, शायद उतनी इस एसएसपी में नहीं दिखा पाई, शायद उस आईपीएस में नहीं दिखा पाए, शायद दरोगा में नहीं दिखा पाए, उस आईएएस में नहीं दिखा पाए, लेकिन सिपाही की नौकरी लेने में कितनी तत्परता के साथ सरकार ने अपनी एक्शन दिया, अपना रिएक्शन किया, ये सबके सामने है। तो आज बात यही हो रही थी कि आईपीएस की कहानी जो फरार है, जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम है, लेकिन अब उसकी नौकरी बर्खास्तगी में बदलने जा रही है, यह बात हो रही है। हालांकि प्रवीण कुमार ने रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा है कि कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तनक का जरूर उन्होंने कहा, जो खबरें छपी हैं, जो इनके हवाले से हम बता रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि बर्खास्तगी के पर्याप्त प्रमाण हैं और उनको हटाया जाएगा, सबूत पर्याप्त हैं, उन पर आरोपों के जो झड़झड़ियाँ लगी थी वो सब सही हैं। माना जा रहा है कि यह रिजल्ट बहुत सामने होगा। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार डेढ़ पंच सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।